अगर किसी गाड़ी की पूरे महीने में सबसे कम या कहें एक या दो चार यूनिट ही सेल होती हो, तो ऐसी गाड़ियों को क्या खरीदना चाहिए? सच में तो ऐसी गाड़ियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसे रीजन है कि कस्टमर उन गाड़ियों को परचेज करना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आपको भी इस बारे में जानने की आवश्यकता है, मई 2024 में सबसे कम बिकने वाली गाड़ियां, क्योंकि कार कंपनियां भी अपनी ऐसी गाड़ियों को जब लॉन्ग टाइम तक कम बिकता देखती हैं तो उन्हें डिसकंटिन्यू कर देती हैं और बाद में इन्हें परचेज करने वाले कस्टमर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर न्यू कार परचेज करनी है तो इस मस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहें, ताकि गलतियों से भी ऐसी गाड़ी को परचेज ना कर लाएं। और देश की सभी कार कंपनियों के लेटेस्ट लॉन्च और आने वाले फेसलिफ्ट के साथ मंथली चलने वाले डिस्काउंट्स ऑफर्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, प्रेस कर लें बेल का आइकॉन, ताकि हर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अब बात करते हैं मई 2024 में सबसे कम बिकने वाली 10 गाड़ियों के बारे में। इसमें 10th पोजीशन पर है मारुति की जिम्नी, जिसे काफी जोर शोर से मारुति के द्वारा थार की टक्कर में लॉन्च किया गया था। लेकिन आज अगर बात करें सेल्स की, तो मई में केवल जिम्नी की 285 यूनिट ही सेल हुई है, जबकि महिंद्रा थार की 5750 यूनिट सेल हुई है मई 2024 में। तो जिम्नी को थार से कहीं दूर दूर तक भी कम्पिटीट नहीं किया जा सकता है। ओवर प्राइजिंग भी इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि जिम्नी का प्राइस जहां पर 12.70 लाख से स्टार्ट होता है, वहां पर महिंद्रा थार 11.35 लाख से स्टार्ट होती है। तो कुल मिलाकर मारुति सुजुकी का ऑफ रोडिंग सेगमेंट में जिम्नी कोई सक्सेस प्रोडक्ट नहीं बन पाई है। और इसके बाद है 9th नंबर पर मारुति सुजुकी की ही एक और गाड़ी, जिसे मारुति द्वारा काफी जोर शोर से लॉन्च किया गया, मारुति सुजुकी इनविक्टो। बात करें मई मंथ की सेल की, तो मारुति सुजुकी इनविक्टो की मई 2024 में केवल 193 यूनिट सेल हुई है। और इनविक्टो के सेल्स डाउन का ये सिलसिला दिसंबर 2023 से कंटिन्यू चलता आ रहा है। दिसंबर में जहां पर 502, जनवरी में 496, फरवरी 24 में 365 और मार्च 24 में 348, अप्रैल में 193 और मई में भी केवल 193 यूनिट सेल हो पाई है मारुति इनविक्टो की। जबकि मारुति सुजुकी की इनविक्टो टोयोटा की जिस गाड़ी पर बेस्ड है, यानी इनोवा हाईक्रॉस, अगर इनोवा हाईक्रॉस का सेल्स फिगर देखते हैं तो जमीन आसमान का अंतर नजर आता है, क्योंकि जहां पर इनविक्टो की केवल 193 यूनिट सेल हुई, वहां पर टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की 8548 यूनिट सेल हुई। यानी कस्टमर ने टोयोटा के पोर्टफोलियो में से इनोवा हाईक्रॉस को परचेज करना ज्यादा बेटर समझा, अपेक्षा रिवेज वर्जन में इनविक्टो को परचेज करने के। तो क्या सोचते हैं आप, मारुति सुजुकी के लिए रिवेज का ये सिस्टम सक्सेस नहीं हो पाया है, इसके कारण क्या है? और इसके बाद है टोयोटा मोटर्स का हाई लुक, जो कि एक पिकअप ट्रक है, जो हालांकि यूरोपियन कंट्रियों में काफी पसंद किया जाता है, लेकिन मई 2024 में अगर सेल्स फिगर की बात करें तो केवल 283 रहा है। यानी बहुत ज्यादा सक्सेस ये गाड़ी नहीं हो पाई है। तो इसके कुछ रीजन है, फर्स्ट तो इस सेगमेंट के कस्टमर्स काफी कम है, सेकेंड इसका ओवर बजट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट वेरियंट भी 30 लाख के अप्रोक्स स्टार्ट होता है और हाई एंड वेरिएंट लगभग 38 लाख के अप्रोक्स जाता है। तो फिलहाल में इसकी कम सेलिंग का कारण इस सेगमेंट की प्रोडक्ट की कम डिमांड ही आप मान सकते हैं। और इसके बाद 7th नंबर पर है सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस, जिसकी मई मंथ में केवल 125 यूनिट ही सेल हुई है। इसके अलावा सिट्रॉन ब्रांड की ही एक और गाड़ी जो एंट्री लेवल बजट में, यानी पंच और मैग्नाइट के बजट में आती है, सिट्रॉन C3, मई मंथ में उसकी भी केवल 155 यूनिट ही सेल हो पाई हैं। जबकि एंट्री लेवल बजट 6.16 लाख में आने वाली सिट्रॉन C3 में अच्छे खासे पावर और फीचर्स के अलावा बेहतरीन कंफर्टेबल स्पेस में मिलता है, लेकिन इसका मेन कारण माना जा सकता है सिट्रॉन का ऑल ओवर इंडिया डीलर बेस ना होना। और इसके बाद 6th नंबर पर है जीप की मेरिडियन, जिसकी मई 2024 में केवल 75 यूनिट सेल हुई है। हालांकि मार्केट में जीप की ये पावरफुल गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा XUV 700, टाटा हैरियर और सफारी जैसी गाड़ियों को कम्पीट करती है, बावजूद इसके इस गाड़ी का भी सेल्स फिगर डाउन होता जा रहा है पिछले 6 मंथ से।
इसका कुछ कारण आप इसका ओवर प्राइस भी मान सकते हैं, क्योंकि जहां पर जीप मेरिडियन का प्राइस स्टार्ट होता है 33.60 लाख से, महिंद्रा XUV 700 MX 7 सीटर भी अगर आप लेते हैं तो 14.49 लाख से, और टाटा है यह 15.49 लाख से स्टार्ट हो जाती है। तो मार्केट में कंपटीशन फीचर्स, कंफर्ट और प्राइस सभी पे होता है। और इसके बाद यानी फिफ्थ नंबर पर है हुंडई मोटर्स की टुस्को, जो लुक वाइज, कंफर्ट वाइज और पावर वाइज बेटर होते हुए भी जिसका सेल्स फिगर भी कंटिन्यू डाउन हो रहा है। अगर पिछले 6 मंथ का आप ग्राफ देखते हैं और मई 2024 में केवल 168 यूनिटीज की सेल हो पाई है, अप्रैल में जो 201 थी। और मार्केट में हुंडई टुस्कोन का सीधा कंपटीशन जहां पर C5 एयरक्रॉस जैसी गाड़ियों से या टिगुआन या फिर जीप कंपास जैसी गाड़ियों से है, वहां पर इसका बजट 29 लाख से स्टार्ट होता है जो 36 लाख तक जाता है। तो इसका ओवर प्राइस होना भी इस गाड़ी की कम सेल्स का कारण बन सकता है। और इसके बाद फोर्थ नंबर पर आती है फॉक्सवैगन की टिगुआन, जिसकी मई मंथ में केवल 102 यूनिट सेल हुई है, अप्रैल में जो 108 हुई थी। और फॉक्सवैगन टिगुआन का भी ग्राफ दिसंबर से निरंतर डाउन होता जा रहा है। दिसंबर में जो 275 था, जनवरी में 113 रहा, फरवरी में 102 रहा, तो मार्च में 94 और अप्रैल में 108 और मई में जो 102 पर ही पहुंच चुका है। और ऑलरेडी ये गाड़ी जिस सेगमेंट को कम्पीट करती है, जिसमें कि हुंडई की टुस्कोन है या फिर टिगुआन है या फिर कंपास है, इन सभी की सेल्स भी जबरदस्त डाउन चल रही है। जबकि फॉक्सवैगन टिगुआन एक वर्ल्ड क्लास की सेफेस्ट गाड़ी है, अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं, बावजूद इसका सेल्स फिगर काफी डाउन है। और फॉक्सवैगन टिगुआन का प्राइस भी 35.17 लाख से स्टार्ट होता है, जो ऑन रोड पड़ती है 40,64,000 के आसपास। तो इसका ओवर प्राइस होना भी इसके सेल्स फिगर का कारण हो सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट है महिंद्रा की मराजो, जिसकी केवल 16 यूनिट सेल्स हुई है और मार्केट में कम्पीट करती है अर्टिका, कैरिंस और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों को, बावजूद इसके इसका सेल्स फिगर भी पिछले 6 मंथ से डाउन चल रहा है। और इसके बाद में है टॉप पर यानी नंबर 1 पर सिट्रोन C5 एयरक्रॉस, सबसे पहले तो जिसका बजट 36.91 लाख से स्टार्ट होता है जो 37.67 लाख तक जाता है। और पिछले 6 मंथ से भी अगर इसका सेल्स फिगर देखें तो कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होता है, किसी महीने 2, किसी महीने 1 और किसी महीने तो बिल्कुल ही सेल्स नहीं हो पाती है C5 एयरक्रॉस। और जहां पर 140 करोड़ की आबादी वाला इतना बड़ा देश, वहां पर इन गाड़ियों की इतनी कम सेल्स फिगर क्या दिखाता है, आप भी सोच सकते हैं और कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो जब भी न्यू गाड़ी परचेज करनी है, हमेशा इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, ऐसे ब्रांड्स की ऐसी गाड़ियों को देखिए जो मार्केट में करंट में रनिंग है और जिनके जल्द ही डिसकंटिन्यू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अगर गाड़ियां डिसकंटिन्यू हो जाती हैं तो बाद में उनके पार्ट्स वगैरह मिलने भी काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर गाड़ियां ऐसी परचेज करनी चाहिए जो आफ्टर परचेज जिनके मेंटेनेंस या सर्विस के लिए प्रॉब्लम ना हो, जिनके सर्विस सेंटर्स आसानी से अवेलेबल हो और जिनके लिए आपको बार बार भटकना ना पड़े, साथ ही गाड़ियों को सेल्स भी अच्छा खासा होता हो, ताकि वो गाड़ियां करंट में बनी रहेंगी तो आपको सर्विस भी बेटर मिलती रहेगी। तो आपको किसी भी ब्रांड की कोई गाड़ी परचेज करनी है, हमेशा सोच समझ कर ही डिसीजन करें, क्योंकि खास तौर से मिड वर्ग के कस्टमर के लिए न्यू गाड़ी परचेज करना लाइफ टाइम के लिए होता है। और किसी भी ब्रांड की किसी भी कार को परचेज से पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च कर लें। और फाइनल डिसीजन के लिए अगर आप चैन से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। और चैनल पर एक्टिवली कनेक्ट होने के लिए अपने द्वारा यूज किए जा रहे व्हीकल्स के बारे में अपने ऑनरशिप एक्सपीरियंस चैनल के साथ लाइवली शेयर करना ना भूलें। इसके लिए आप हमें मेल कीजिए, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है या फिर इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल पर हम आपके लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं।